close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello friends, good morning. स्वागत है आपका मेरे और नए ब्लॉग में. मैं रामू नजर आप देख रहे हैं क्रेडी रानूज ब्लॉग्स को. आज है 25 दिसंबर और सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिश्चियन सेलिब्रेट होता है, मतलब क्रिश्चियन धर्म को सेलिब्रेट करते हैं. बट मुझे आज पता चला कि आज के दिन तुलसी पूजा भी है, मतलब तुलसी दिवस भी मनाया जाता है आज के दिन. और ये मुझे आज पता चला तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने धर्म के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए. तो खैर ये तो हुई धर्म वाली बात, इसको साइड करते हैं. और वैसे मैंने आज एक कोकोपीट ऑर्डर किया हुआ है. ये है कोकोपीट, ये आई थिंक 3 kg का है. तो इसको देना है मुझे अभी पानी में फूलने के लिए, क्योंकि इसे लगता है करीब पूरे एक दिन. वैसे कहते हैं लोग ऐसे 2-3 घंटे भी हो जाते हैं, बट एक्चुअली इसमें ना केमिकल होते हैं कुछ, तो केमिकल इसको धुलने के लिए, अच्छे से साफ करने के लिए, उससे प्लांट को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हम इसको एक दिन अच्छे से फूलने फूल के देने के लिए, उसके बाद हम इसको पानी में धोएंगे और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. तो मैं इसको पहले पानी में देता हूँ और फिर घर से अभी निकलना है मुझे ऑफिस, और फिर ऑफिस के बाद इसको देखते हैं क्या काम होगा आगे. तो इसको खोलते हैं और इसको देता हूँ मैं पानी में फूलने के लिए पूरे एक दिन. ये ब्लॉक अभी दिखने में तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है, बट ये अप्रॉक्स 4 to 5 times ये बड़ा हो जाएगा. इसको अगर फूलने देंगे तो पानी बहुत ही ज़्यादा अभी अब्जॉर्ब करेगा. मैंने अभी एक बड़े से गमला दिया मैंने, और इसमें इसको फूलने देता हूँ. बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है वैसे ये, और फूल जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा. ये देखो किस तरह से ये फूलने लगा. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज इस ब्लॉग का डे 2, सुबह के बज रहे हैं अभी सभी करीब 5:30, और मैं अभी निकल रहा हूँ जिम. बाहर का अब सीन देखो, पूरा ही फॉग है, बहुत ज़्यादा ही फॉग है आज, मतलब घर के सामने नहीं दिख रहा है. और ऐसे में अभी मुझे जाना होगा जिम. तो ठीक है, फिर मिलते हैं जिम के अंदर. बाय बाय. तो मैं बाहर निकल चुका हूँ, बट इतना ज़्यादा फॉग है, मतलब 10 मीटर के आगे विजिबिलिटी लो हो जा रही है. और अभी मुझे 20-25-30 की स्पीड से चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग है आज. और वैसे आज टेम्परेचर उतना भी डाउन नहीं है, 8 degrees ही है. वैसे यहाँ 6-7 degrees जा रहा है, बट आज 8 degrees है, फॉग इतना है. लेकिन तो ठंड वैसे उतनी लग नहीं रही है, लेकिन फॉग बहुत है. तो ठीक है, फिर अब इसी स्पीड में चलेंगे स्लो स्लो. और आप लोग भी सेफ ड्राइव करो अगर ऐसा अगर सिचुएशन मिले तो. ठीक है, फिर मिलते हैं आगे जिम के अंदर. वर्कआउट सीजन हमारा हो गया कम्प्लीट, अब घर निकलना है. वैसे आज मैंने किया बर्न 507 calories, कॉम्पिटेटिव भी कम है नॉर्मल डे के अकॉर्डिंग. ओए गुड मॉर्निंग, इधर देखो. अभी समय हो रहा है 7:30 सुबह के, मैं निकल चुका हूँ अभी वैसे, बट आप देखो कितना ज़्यादा फॉग है. और किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि यहाँ 7:30 सुबह हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे तक. सुबह से भी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, मतलब 5 बजे से भी ज़्यादा अभी फॉग हो चुका है. और ऐसे ही रहेगा 10 बजे तक तो होगा मेरे ख्याल से. कोई नहीं, निकलता हूँ धीरे धीरे. तो मैं आ चुका हूँ अभी घर, और मुझे अभी ध्यान में आया कल मैंने दिया था कोकोपीट को फूलने के लिए, देखता हूँ अभी क्या सीन है उसका. वैसे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पता था कि आज के दिन ठंड बढ़ने वाली है, तो मैंने रात में इसको इस गमले से बाहर निकाल के सूखने दे दिया. तो आज अगर धूप होता है इनकेस तो ये थोड़ा बहुत सूख जाएगा, फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे. तो ठीक है, फिर अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, उसके बाद मुझे निकलना है ऑफिस.
और अभी भी वेदर वैसा का वैसा ही है, कुछ भी दिख नहीं रहा है आगे तक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। सो हेलो, मैं आ चुका हूँ अभी ऑफिस, और मैं आपको एक गजब का चीज़ दिखाता हूँ। और वो गजब का चीज़ है ये ऑरेंज है एक्चुअली में, और ये सारे ही पक चुके हैं, बट क्या ये बहुत ज़्यादा ही खट्टे हैं। और लोग कहते हैं कि ये जब पेट में, हमारे पेट में एक स्टोन होता है तो उसको क्योर करने का काम करता है, और ये सभी जगह नहीं मिलता है। तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करना। और सीन अभी देखो किस तरह का, वैसा ही है अभी भी, पूरा लॉन दिख नहीं रहा एंड तक। तो पता नहीं ये कब तक रहेगा ये वाला सीन। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सुबह में ठंड नहीं लग रही थी, फॉग तो था बट ठंड वैसी नहीं लग रही थी, बट अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो मिल अंदर चलते हैं क्योंकि ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो चुका है, काम करते हैं उसके बाद मिलते हैं ऑफिस के बाद। बाय बाय। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी समय हो गया अभी 7 बजे शाम के, और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली आज वीकली मार्केट लगता है, तो मैंने ढेर सारी सब्जियां वगैरह खरीदी। मैं सब्जियां बहुत खाने लगा हूँ, वैसे स्कूल टाइम नहीं खाता था बट अब खाने लगा हूँ। और कुछ सब्जियां खरीदा, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह, और अभी मैं आ गया हूँ घर। और समय हो गया मेरे स्नैक्स का। स्नैक्स तो वैसे 6:30 बजे तक मैं ले लेता हूँ, बट अभी लेट हो चुका है, टाइम है नहीं ज़्यादा। तो एक शेक बनाता हूँ, और उसके बाद थोड़ा गार्डनिंग का काम करना है, प्लांटेशन का काम करना है। तो अभी बनाते हैं स्नैक्स। तो मैं आ चुका हूँ अभी छत पे, अभी समय करीब 8 बज रहा होगा। और हाँ, मतलब लेट हो गया ये सब चीज़ में। एक्चुअली सुबह आजकल टाइम मिल नहीं रहा, तो यही टाइम मुझे निकालना पड़ा इस चीज़ के लिए। और वैसे मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, ये एक्चुअली मैं ड्रैगन प्लांट है, तो इसको मैं अभी प्लांट करूँगा, मतलब पॉट करूँगा इस वाले में। एक्चुअली इसमें मुझे रेत की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने रेत ले रखा, रेत थोड़े वर्मी कंपोस्ट है, और ये वाले थोड़े कोकोपीट और थोड़े गार्डन सॉइल। तो उसको थोड़ा प्रोपोर्शनल मिक्स करेंगे, इसको लगाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि मुझे ठीक डिनर बनाना पड़ेगा। थोड़ा छत हमारा मैसी हो रखा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, इसको भी इसी बहाने ये साफ भी हो जाएगा। एक्चुअली मुझे गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में एक्चुअली गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू देते हैं। मैंने आपको घर में, घर का वीडियो आई थिंक दिखाया होगा, पूरे छत पे प्लांटेशन का काम किया हुआ है, और ये चीज़ मुझे भी पसंद है, तो यहाँ भी मैंने स्टार्ट किया। वैसे नीचे मेरे बालकनी में है और ढेर सारे प्लांट है, बट मैंने ये इधर ही रिसेंटली ऑर्डर किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको लेट ना करके जल्दी से इसको पॉटिंग कर देते, नहीं तो फिर ये भी ख़राब हो सकता था। ऑलमोस्ट हमारा ये सॉइल मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, और इसको फिर मैं अब इसमें थोड़ा डालना शुरू करता हूँ। बट इससे पहले थोड़ा कोकोपीट नीचे दे देता हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा जब भी इसमें, तो वो इसके थ्रू डायरेक्टली होल के थ्रू मतलब इजीली पास हो जाएगा। तो अब बारी है इसको लगाने की, इसको आराम से पहले निकालेंगे। वैसे मैंने इसे लाते ही, मतलब जब ये रिसीव हुआ था, तो वैसे इसमें हल्की मिट्टी में इसको मैंने बस रख दिया था, और इसमें अभी भी वैसे रूटिंग वगैरह अच्छे से हो रखी है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। और ये वैसे कैक्टस स्पीसीज का है प्लांट, तो इसमें अगर पानी कुछ दिन ना भी लगे तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वैसे दो अलग अलग वेराइटी का, एक ये है जम्बो रेड जो हम नॉर्मली मार्केट में देखते हैं रेड, और ये दूसरा वाला है वियतनाम रेड वाइट। तो ये ऊपर से तो ये रेड होता है, बट अंदर से थोड़ा इसमें वाइट पल्प होते हैं। तो ये मैंने दो ऑर्डर कर रखा है, और इसको एक ही गमले में लगाएंगे, वैसे काफ़ी है इतना। ये हमारा वैसे प्लांट लग गया है, इसको वैसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बट अभी ये बहुत ही काफ़ी छोटा है, तो अभी तो ये ऐसे ही चलेगा। अभी करीब ये 4 फीट, 4 से 5 फीट तक जाता है, और उस समय लेकिन इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस समय उससे पहले इसको सपोर्ट दे दिया जाएगा। ये थोड़ा अभी स्लो, स्टार्ट में थोड़ा स्लो ग्रो होगा, बट जब स्टार्ट होगा ग्रो होना, जब थोड़े बड इसमें निकल जाएंगे, तो वो काफ़ी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो वैसे हमारा प्लांट लग गया, थोड़ा बहुत इसमें अभी पानी देंगे और फिर इसको थोड़ा सफाई वगैरह करते हैं। सो हेलो गाइस, अभी रात के 10 बज गए और उस समय मुझे थोड़ा सफाई वगैरह में टाइम लग गया, बट मैं अभी डिनर वगैरह मेरा हो गया है और अभी 10 बज रहे हैं, तो अभी 1 घंटा है मेरे पास अभी सोने, मतलब सोने जाने के लिए। तो ठीक है, फिर अभी मुझे वैसे आर्टवर्क का काम करना है 1 घंटा, उसके बाद सोएंगे क्योंकि फिर सुबह वापस से वही रूटीन जिम। तो ठीक है, आगे की वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना। आई नो ये ब्लॉग आपको काफ़ी दिनों बाद मिल रहा है क्योंकि थोड़ा शेड्यूल इधर उधर हो गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।